नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रृंगार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां पर हम कारों से जुड़ी काफी सारी बातें करते हैं। आज भी हम इस प्रकार के एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं दो गाड़ियों का कंपेयर जो सबसे ज्यादा मार्केट में चलती हैं। आप सेडान व्हीकल लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सोचते हैं सुजुकी डिजायर के बारे में, फिर आपके मन में थोड़े से उसके आप कंपेयर करना चाहते हैं किन्हीं गाड़ियों से, तो फिर आपके मन में एक गाड़ी और आती है जो कि है फोर्ड एस्पायर। दोनों लगभग सेम सेगमेंट की गाड़ियां हैं, दोनों लगभग सेम प्राइस बजट में आपको मिलती है। सो देखते हैं दोस्तों, इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी आपको चूज करनी चाहिए, कौन सी ज्यादा आपके पैसे को वैल्यू दे पाएगी। देखते हैं दोनों गाड़ियों में, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इसे शुरू करने से पहले आप कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे भी इस प्रकार की कंपैरिजन हम आपके लिए लाते रहें और आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, दोनों ही गाड़ियां जो है कॉम्पैक्ट सेडान है, सेमी सेडान सेगमेंट की होती है, सब फोर मीटर की गाड़ियां होती है। आपको सेडान सा फील अच्छा मिल जाता है गाड़ियों में, आपको फाइव सीटर की कैपेसिटी मिल जाएगी, बूट स्पेस अच्छा खासा मिल जाएगा, 400 लीटर कम से कम। तो देखते हैं दोनों गाड़ियां कितना खरा उतरती है अपने प्राइसेस पर। हमने लिया है दोनों गाड़ियों का टॉप एंड वेरिएंट। एक होगा मारुति स्विफ्ट का ZXi प्लस वेरिएंट, जबकि हमने लिया है फोर्ड एस्पायर का टाइटेनियम प्लस वेरिएंट। अब देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इन दोनों के इंजन और परफॉर्मेंस की। आपको 1.2 लीटर ड्यूल जेट इंजन मिलता है सुजुकी डिजायर में, जो कि जिसका कि पूरा पूरा डिस्प्लेसमेंट देखें 1197 सीसी होता है। फोर सिलेंडर इनलाइन इंजन ही होता है दोस्तों। आपको ये पावर जनरेट करके देता है 89 bhp की। साथ ही टॉर्क की बात करें तो 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाएगा। वहीं अगर देखें फोर्ड एस्पायर में, आपको मिलता है TIVCT इंजन, जिसका कि डिस्प्लेसमेंट है 1194 cc, तीन सिलेंडर इंजन ये मिलेगा आपको। साथ ही ये पावर जनरेट करता है 95 bhp की दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 89 bhp आपको सुजुकी डिजायर दे रही थी, और ये गाड़ी आपको दे रही है 95 bhp। सेम डिस्प्लेसमेंट है दोनों गाड़ियों का, 1.2 लीटर के इंजन है, और 119 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी देती है। तो टॉर्क और पावर के मामले में फोर्ड एस्पायर ज़्यादा आगे निकलती है, यानी कि आपको एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू सुजुकी डिजायर। बट बात आती है माइलेज पर, कि अगर हमको इतना अच्छा पावर मिल रहा है, परफॉर्मेंस मिल रहा है, तो फिर माइलेज क्या है। माइलेज के मामले में डिजायर अच्छी होती है, क्योंकि सुजुकी ने जितनी भी गाड़ियां बनाई, अभी आप उसके पेट्रोल इंजन देखिए, सबसे अच्छे माइलेज वो दे रही है। 23.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको लगभग डिजायर में मिल जाता है, जबकि आप बात करें 18.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको फोर्ड एस्पायर में मिलता है। तो माइलेज के मामले में थोड़ी सी पीछे होती है, हालांकि आप हाईवे पर चलाएंगे तो आपको माइलेज थोड़ी एस्पायर अच्छा खासा दे देगी, डिजायर तो काफ़ी अच्छा दे ही रही है। तो ये जो लगभग 4 से 5 किलोमीटर पर लीटर का फर्क है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। दोनों गाड़ियाँ दोस्तों 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ हमने चूज़ करी हैं, जो टॉप एंड वेरिएंट मैनुअल में लिया है। दोनों गाड़ियाँ 5-स्पीड मैनुअल पे चलेंगी, फ्रंट व्हील ड्राइव दोनों गाड़ियाँ होने वाली है। एक जो फीचर है दोस्तों मारुति सुजुकी डिजायर में, उसकी वजह से उसका जो है माइलेज अच्छा खासा मिल जाता है सिटी के अंदर भी, जो कि है आइडल स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन। यही चीज़ क्या है कि आप सिग्नल पर रुकते हैं ना, तो आपकी गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है, फिर आप क्लच दबाते हैं वापस से चालू हो जाती है। तो ये जो चीज़ है, इसकी वजह से इसका थोड़ा माइलेज आपको ज़्यादा अच्छा सिटी के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आप सिर्फ माइलेज ही देख रहे हैं, हालांकि अगर आप पेट्रोल गाड़ी ले रहे हैं तो फिर माइलेज का उतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर CNG डीजल भी अवेलेबल है जो अच्छा खासा माइलेज निकाल के देते हैं। बट फिर भी अगर आप पेट्रोल में माइलेज देखना चाहते हैं तो डिज़ायर ज़्यादा बेटर गाड़ी होगी। परफॉर्मेंस वाइज एस्पायर ज़्यादा बेटर होगी। अब देखते हैं दोस्तों की गाड़ी दिखने में कैसी है, डायमेंशंस क्या है, कितना आपको आउटर एरिया मिल रहा है गाड़ी का। दोनों गाड़ियाँ दोस्तों जैसा कि सब 4 मीटर के अंदर आती है, लेंथ आपको मिलती है 3995 mm की, यानी कि 4 मीटर के अंदर। बात करें विड्थ की, विड्थ भी लगभग दोनों गाड़ियों की सेम होती है, 3 सेंटीमीटर ज़्यादा चौड़ी आपको मिल जाती है डिज़ायर। वहीं बात करें हाइट की, तो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा हाइटेड आपको मिल जाती है एस्पायर। दोस्तों व्हील बेस एक ऐसी चीज़ है जिस पर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। व्हील बेस ज़्यादा अच्छा है तो आपको अंदर कंफर्ट भी थोड़ा अच्छा खासा मिल जाता है, लेग रूम अच्छा खासा मिल जाता है, जो कि ज़्यादा है एक्चुअली एस्पायर का। 2450 mm का व्हील बेस आपको मिलता है डिज़ायर में, जबकि 2490 mm का व्हील बेस आपको मिल जाता है एस्पायर में। और ग्राउंड क्लियरेंस भी दोस्तों आपको एस्पायर में ही ज़्यादा मिल रहा है, जैसे कि आपको डिज़ायर में मिलता है 163 mm का। हालांकि कंपनी क्लेम करती है कि काफ़ी ज़्यादा टाइट सस्पेंशन लगाए गए हैं, तो गाड़ी जब बैठ जाते हैं सभी लोग लेडन होने के बाद उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट एस्पायर में ज़्यादा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रहा है, तो आपको वहाँ पर भी कंफर्ट का कोई इशू नहीं आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि व्हील साइज़ क्या होने वाला है, गाड़ी का व्हील कितने इंचेस का अलॉय व्हील्स मिलेगा, कितना आपको बेस गाड़ी के व्हील में मिलने वाला है। साथ ही बात करते हैं ब्रेक्स की। सो, जैसा कि सभी गाड़ियों में आजकल स्टैंडर्ड हो गया है कि भाई सामने की तरफ डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक, यही आपको मिलने वाला है कॉम्बिनेशन। व्हील साइज़ की बात करें तो आपको डिज़ायर में मिलता है 185/65 R15 के व्हील, यानी 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। उस पर आपको 185 mm चौड़े जो है व्हील्स मिल जाएंगे, जिसकी प्रोफाइल होगी
65% ऑफ 185। वहीं पर बात करें अगर फोर्ड एस्पायर की, तो यहाँ पर आपको थोड़े ज़्यादा चौड़े व्हील्स मिलते हैं, जो कि है 195/55, यानी कि 195 mm के चौड़े व्हील्स आपको मिल जाएंगे और 15 इंची अलॉय व्हील्स का साइज़ होगा। तो अलॉय व्हील्स आपको लगभग दोनों गाड़ी में सेम मिल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा बेटर है एस्पायर की, इस वजह से इसमें व्हील भी थोड़े ज़्यादा मोटे दिए गए हैं। सो ये थी दोस्तों पावर परफॉर्मेंस की बात। हमने क्लियरली देखा कि यार ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको, ज़्यादा अच्छा एक्सेलरेशन मिलने वाला है एस्पायर में, बट ज़्यादा अच्छे माइलेज के लिए आप चूज़ कर रहे हैं तो डिज़ायर आपके लिए बेटर गाड़ी होगी। अब बात करते हैं सेफ्टी और एंटरटेनमेंट और कंफर्ट की, दो इन सब चीज़ों में कौन सी गाड़ी ज़्यादा होगी। सबसे पहले बात करते हैं कंफर्ट की। सो गाड़ी में जब भी आप जाते हैं दोस्तों, आप सीट की क्वालिटी सबसे पहले चेक करते हैं कि यार गाड़ी की सीट लेदर की है या फिर आपको मिल रही है फैब्रिक की। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलेगी दोस्तों। फिर भी अगर आप चाहते हैं लेदर सीट्स लगवाना, तो आप बाहर से आफ्टर मार्केट या फिर कंपनी से ही बोलकर लगवा सकते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होंगे। 8-way मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स होती है ड्राइवर की, जिसको आप 8 अलग अलग वेज में एडजस्ट कर सकते हैं। 6-way एडजस्टेड आपको मिलेगी पैसेंजर सीट, जो कि ड्राइवर के बाजू में होगी। पीछे की सीट्स इतने ज़्यादा एडजस्टेबल नहीं होती, सिर्फ आप हेडरेस्ट उनमें एडजस्ट कर पाएंगे दोस्तों। ये तो ये सीट्स की बात। अभी बात आती है कि यार एसी कितना पावरफुल है। तो आपको जहाँ पर सुजुकी डिज़ायर में मिल जाते हैं फ्रंट एसी वेंट्स के साथ रियर एसी वेंट्स भी, बट एस्पायर में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है दोस्तों, आपको रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं। बट बताना चाहूँगा कि फोर्ड के जितनी भी गाड़ियाँ आप देखेंगे, उनके एसी इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि आप उनमें बैठेंगे, आपको रियर सीट्स पर भी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होने वाली है। साथ ही दोस्तों दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाता है क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन, यानी कि आप क्रूज़ कर सकते हैं। लंबे सफ़र पर गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं तो आप आराम से ले जा सकते हैं, आपके पैरों को काफ़ी आराम मिलेगा, क्रूज़ कंट्रोल गाड़ी में अवेलेबल है। कीलेस स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन आपको मिल जाती है, तो ये भी एक अच्छा फीचर होगा, आपको बार बार चाबी को निकालने और वापस जेब में डालने में की प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टीयरिंग के लिए आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, साथ ही स्टीयरिंग व्हील जो है आपको लेदर रैप्ड मिलता है दोस्तों, तो पकड़ने में भी काफ़ी आसानी, काफ़ी अच्छे से आप उसमें पकड़ जमा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी एक छोटा सा फर्क आ जाता है रियर सीट्स के ऊपर, जो आर्म रेस्ट निकल के आएगा गाड़ी में रियर सीट्स पर, उसमें आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे डिजायर में, लेकिन एस्पायर में आप देखें वहां पर आपको कप होल्डर्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ वो आर्म रेस्ट रहेगा। साथ ही आपके जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं, उनको आपको बार बार हाथ निकाल के एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो आपको अंदर से ही सिर्फ बटनों की सहायता से वो आप कर पाएंगे। वन टच अप और वन टच डाउन ड्राइवर साइड विंडो का ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों, यानी कि आपको बार बार बटन जो है दबाकर नहीं रखनी होगी अगर आप विंडो खोलना चाहते हैं या चढ़ाना चाहते हैं, आपको सिर्फ एक क्लिक करना होगा ड्राइवर साइड विंडो के लिए, बाकी सारी विंडोज़ को आपको मैनुअली करना होगा। सो ये थी दोस्तों कंफर्ट कितना अच्छा है। दोनों गाड़ियों में हमने देखा कि कंफर्ट के लिए दोनों गाड़ियां कहीं से भी एक दूसरे से पीछे नहीं है। हालांकि आपने एक पॉइंट ज़रूर लिया होगा कि रियर में एसी वेंट जो है डिज़ायर में आपको मिल रहे हैं, बट जैसा कि मैंने बताया काफ़ी पावरफुल एसीज़ आपको मिलते हैं फोर्ड की गाड़ियों में, तो एक बार आप वो चेक कर लीजिए, आप समझ पाएंगे कि यार रियर सीट्स पर काफ़ी अच्छा एसी का आपको जो है काफ़ी अच्छी कूलिंग मिल रही है। अभी हम देखते हैं कि सेफ्टी के मामले में दोनों गाड़ी में से कौन सी ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले बात आती है दोस्तों सेफ्टी में कि एयरबैग कितने हैं। मारुति सुजुकी डिज़ायर में आपको जहाँ पर दो एयरबैग दिए जा रहे हैं टॉप एंड वेरिएंट में भी, वहीं पर आप बात करें अगर एस्पायर की, इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, एक ड्राइवर के लिए, पैसेंजर के लिए कर्टन एयरबैग्स भी अवेलेबल हैं, साथ ही ड्राइवर साइड और फ्रंट पैसेंजर के साइड का जो है एयरबैग आपको मिल जाते हैं दोस्तों। हाँ, चाइल्ड सीट एंकरेज पॉइंट्स आपको डिज़ायर में सिर्फ मिल पाएंगे, आपको एस्पायर के अंदर नहीं मिल पाएंगे। सीट बेल्ट वार्निंग दोनों गाड़ियों में मिल जाती है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम की सुविधा दोनों गाड़ियों में है, साथ ही ईबीडी आपको मिल जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक फीचर एक्स्ट्रा यहाँ पर भी डिज़ायर में मिलता है, जो कि है ब्रेक असिस्ट का। ये मारुति की सभी गाड़ियों में लगभग आ रहा है दोस्तों, लेकिन अभी फोर्ड ने ये गाड़ी एस्पायर में नहीं दिया है ब्रेक असिस्ट, तो कि ज़्यादा अच्छा फीचर होता है सेफ्टी के लिए। बात करें और सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है, तो इमोबिलाइजर दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा आपको, दोनों गाड़ियों में आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है दोस्तों। सो ये थी दोस्तों सेफ्टी की बातें। रियर व्यू कैमरा आपको दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाएगा, जिससे आप पार्किंग करने में आसानी होगी, पार्किंग सेंसर्स भी दोनों गाड़ियों में लगे हुए हैं। सो ये थी दोस्तों सेफ्टी की बातें, कंफर्ट की बातें। अभी हम देखते हैं एंटरटेनमेंट में कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। सेफ्टी के लिए दोनों गाड़ियों में लगभग सेम से फीचर है, ब्रेक असिस्ट का फीचर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है डिज़ायर के अंदर, साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ आपको एस्पायर में मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एंटरटेनमेंट की, कि दोनों गाड़ियों में से एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा अच्छी कौन सी होगी। तो 6 स्पीकर के साथ आपको मारुति सुजुकी मिलती है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी है, साथ ही आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, GPS नेविगेशन सिस्टम भी अवेलेबल है। बट वहीं बात करें अगर आप एस्पायर की, इसमें आपको 4 स्पीकर के साथ मिलता है टच स्क्रीन सिस्टम, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलेगी, GPS नेविगेशन सिस्टम आपको नहीं मिल पाएगा दोस्तों। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड ऑटो है, आप आराम से इस गाड़ी में नेविगेशन कर पाएंगे, नेविगेट कर पाएंगे, बट जहां पर आपको कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आता है वहां पर थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। इनबिल्ट गाड़ी के अंदर नेविगेशन सिस्टम अगर होता है, तो यहां पर एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जब जब आप ऐसे इलाके में जाते हैं जहां पर आपका नेटवर्क नहीं मिल रहा है,
वहाँ पर भी आपको नेविगेशन मिलता रहता है, गाड़ी बताती रहती है। दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, 21 प्लस में यहाँ पर डिजायर में फिर से मिलती है, जो कि है वॉइस कमांड, आपको ये अस्पायर में नहीं मिलेगा। तो जैसा कि हमने देखा दोस्तों, एंटरटेनमेंट के मामले में भी ज़्यादा बेटर डिजायर हो जाती है। डिजायर एक दो फीचर्स ऐसे ज़्यादा बेटर हमेशा देती है, जैसे कि ब्रेक असिस्ट उन्होंने सेफ्टी के लिए दे दिया, कंफर्ट के लिए भी आपको कप होल्डर दे दिए पीछे, एंटरटेनमेंट में आपको वॉइस कंट्रोल दे दिया। तो यहाँ पर थोड़ी 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 चीज़ें बटोर करके एक ज़्यादा सेफ, ज़्यादा अच्छी गाड़ी आपको दिखाई जा रही है। बट अगर आप परफॉर्मेंस के लिए जाएं तो ये भी जो जितनी भी चीज़ें पॉइंट वाइज हमने बताई कि छोटी छोटी चीज़ें जो डिज़ायर में ज़्यादा दी जा रही है, इतने मायने नहीं रखेंगी दोस्तों। छोटी छोटी सी चीज़ें जो आप आफ्टर मार्केट करा सकते हैं, कुछ इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आफ्टर मार्केट आप गाड़ी का परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा पाएंगे। सो सोच समझ कर आप फैसला ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।